जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ओम चो में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और चैनल से जुड़ जाइएगा। हम आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं, तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आप फेसबुक, ट्विटर दोनों जगह डॉक्टर ओम चो सर्च करें और हमें हमसे जुड़ें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी राशि के शत्रुओं से सावधान, या आपके शत्रु होते हैं और शत्रुओं से कैसे निपटा जा सकता है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना, शत्रु दो प्रकार के होते हैं, पहला अज्ञात और ज्ञात। बहुत बार हमें ये चीज़ ज्ञात होता है कि ये व्यक्ति हमारा नुकसान कर सकता है, ये शत्रु है, हमारे बीच इस चीज़ को लेकर मनमुटाव है, इस चीज़ को विवाद है। दूसरा होता है जाने अनजाने में हम किसी को कुछ कह देते हैं, या जाने अनजाने में किसी व्यक्ति का कुछ गलत समझ जाना, तो अज्ञात शत्रु जो हमें नहीं पता होता है। और आज के इस दौर में अज्ञात शत्रुओं की क्षमता है और अज्ञात शत्रुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिन्हें हम और आप दोनों, हम और आप कोई भी महसूस नहीं कर सकते वो कब आपका नुकसान कर देता है। ये विषय डराने का नहीं है, इससे मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ कि आपके अज्ञात शत्रु हैं। मैं केवल अपने विवेक से और जो मैं अपने विचार है जो आपसे प्रेषित करना चाहता हूँ उसकी मैं बात करूँगा। देखिए, जब भी आपके कोई अज्ञात शत्रु आपका अहित करना चाहे या अहित का भय आप पर बना रहे, तो आप पहले मुख्य मुख्य उपाय करें, पीपल का जो पत्ता होता है उस पत्ते पर श्री राम लिखें, 11 पत्ते लें और बाबा अपने हनुमान जी को अर्पण कर दीजिएगा। अब बहुत सी बात, ये पुरुषों के लिए, अगर महिलाएं हैं वो, तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा है अज्ञात शत्रु से निपटने के लिए कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं। ये दोनों कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के मन में ये डर होता है कि हम कैसे हनुमान जी को इस तरह का उपाय करें और इस उपाय को कैसे करें। तो ये पहला उपाय जो मैंने आपको कहा, ये अज्ञात शत्रुओं से निपटने के लिए। दूसरी बात है, हो सके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, महिला पुरुष सब सब कर सकते हैं, ऐसा कोई डर की बात नहीं है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके अज्ञात जो शत्रु हैं वो कभी भी आपका अहित नहीं कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, आप सूर्य के सामने खड़े होकर भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और सूर्य के सामने खड़े होकर आप, आपका जो भी गुरु मंत्र हो या महामृत्युंजय हो, गायत्री मंत्र हो, जो भी जाप करना वो खड़े होकर आप जाप वहाँ भी कर सकते हैं। चौथा उपाय है कि बाण जी बहुत ज़्यादा परेशान है कि समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से कौन नुकसान कर देता है, क्या हो जाता है, तो आप उड़द, काले कलर की आती है, उड़द लीजिएगा और उड़द की एक पोटली बनाकर घर के अपने किसी भी कोने में रख दीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत कारगर उपाय है। कभी भी आपके अज्ञात जो शत्रु हैं वो आपका अहित चाह कर भी अहित नहीं कर सकते हैं, वो खुद उनकी उलझनों में बहुत उलझे रहेंगे। और ये जितने उपाय हैं इनका कोई गलत इंटेंशन या गलत उपयोग आप मत करिएगा। अगर आप वाकई में पीड़ित हैं, दुखी हैं, तभी इनका उपाय करें। वैसे ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है जो उपाय है, लेकिन जो उड़द वाला मैंने आपको कहा है उस विषय को लेकर मैं कह रहा हूँ। अब मान लीजिए बहुत ज्ञात शत्रु हैं और हमारा नुकसान हमेशा पहुँचाते रहते हैं, तो सबसे पहली बात है कि ज्ञात शत्रु से अगर आप सुलह की कोशिश करते हैं, और सुलह हो जाती है अच्छी बात है, लेकिन कई बार नहीं होती है, तो केवल और केवल आप एक कोई भी मंत्र ले लें और कंटिन्यू उसको 15 दिन, 8 दिन जाप करते रहें। आप 8 दिन, 15 दिन उसका जाप करते रहेंगे तो जो आपके शत्रु हैं वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, वो आपका कुछ अहित कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपके अहित के बारे में वो सोचेंगे तो पहले उनका अहित हो जाएगा। सरल रहें, सहज रहें, ईश्वर का नाम हमेशा लें, मंदिर दर्शन रोज करें और हमेशा अपनी मस्ती में रहें। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका कभी कोई अहित नहीं करता है, और अगर आप खुद को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो कभी भी आपका कोई अहित नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।